मेरे पास वेदांता के हैं 30 शेयर्स जो मैंने 311 में बाय किए थे। कब लिए? तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट से क्या आप सजेस्ट करते हैं कि मुझे इसकी क्वांटिटी और परचेज कर लेनी चाहिए, भाई और मतलब कितना इस पे स्टॉप लॉस सर कितना होना चाहिए? या लॉन्ग टर्म बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ शालू मैम, कितना समय रुकोगे? मतलब सर वही ईयर और 2 इयर्स या जितना भी। ठीक है, समझ गया। 1 से 3 साल का टाइम होराइजन पकड़ लेता हूँ। ठीक है भाई स्वाति, ये वेदांता अच्छा लगता है क्या? एक से एक तो मेटल्स की साइकिल, बीच बीच में कुछ गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, एक रिटेल को 1 से 3 साल के लिए अगर मेटल पे एक्सपोजर लेना तो वेदांता एक प्रेफर्ड पिक है या कुछ और लिया जाए? ये काउंटर भी अच्छा है, डेफिनेटली PDL भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट इसके कंपैरेटिवली आप कोई देखते तो आई विल बिलीव कि टाटा स्टील पे जाना है, टाटा ग्रुप्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। काउंटर टाटा स्टील में हम लोग ने देखा है कि काफी सेल ऑफ भी हो चुका है एंड अभी 104-105 के रेंज में चल रहा है, तो एक काउंटर में आप बेट लगा सकते हो। बट आई बिलीव कि VDL में भी पोटेंशियल है, अगर सिंह उनका होल्डिंग पीरियड है ऑलमोस्ट मिनिमम 1 to 2 इयर्स का, तो ये होल्ड ऑन कर सकते हैं। एवरेज के लिए थोड़ा मैं मना करूंगी क्योंकि करंट लेवल पे कोई बुलिश फॉर्मेशन है नहीं कि यहाँ पे एवरेज करके आपको तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो आई सजेस्ट इसकी वेट होल्ड कीजिएगा। VDL में भी अपसाइड इसमें वापस 310 का एक ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेक हो जाएगा तो 330-340 के लेवल सब में देखने मिल सकते हैं, तो एट करंट मार्केट प्राइस VDL होल्ड कीजिएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर काउंटर तो टाटा स्टील मुझे अच्छा लगता है।